दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल वीजीएफएक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अडोब प्रीमियर सीसी के अंदर बीट इफेक्ट के बारे में कि कैसे किसी सॉन्ग पर आप बीट इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये बीट इफेक्ट मैंने डाला हुआ है पहले ही, ये मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप भी बीट इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे डालते हैं इस बीट इफेक्ट को और कैसे इसके टाइमलाइन के अंदर हम थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं और कट मारते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगह कट मारे हुए हैं इस टाइप से, एक के बाद एक। तो ये मैं आपको बताऊंगा करके कि किस टाइप से हम करते हैं। ये देखिए, ये मैं पूरी वीडियो को यहाँ से डिलीट कर दिया है और यहाँ तक मैंने इसको खींच लिया है वीडियो को। ये देखिए, अब क्या है कि हमारे पास में पूरी वीडियो इस गाने के ऊपर आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये। अब आपने करना क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि ये ऑडियो की टाइमलाइन होती है, ये वाली नीचे वाली, यहाँ पे ऑडियो डली हुई है, तो इसकी ऑडियो की ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन आपका, ये यहाँ पे आप देख सकते हो वेव होती है, ये इसके अकॉर्डिंगली आपको बीट कट करनी होती है कि किस तरह हम बीट कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं बीट कट कर रहा हूँ, अब आप देखते रहिएगा। यहां से मैंने सी प्रेस किया, आप यहां से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये रेजर टूल है। रेजर टूल के द्वारा आप टाइमलाइन पे सी प्रेस कर दिया हमने और ये रेजर टूल ले लिया। और यहां पे हम देखेंगे, आपने ये लेना है यहां पे, एक फ्रेम मैंने यहां डाल दिया। ठीक है, और दूसरा फ्रेम सिंपली आपको एक फ्रेम बढ़ाना है आगे। ये देखिए, ये ले लिया, एक फ्रेम लिया, ये ले लिया, एक फ्रेम ये ले लिया आपने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और उसके बाद में हमने यहां से छोड़ दिया। फिर उसके बाद में यहां पे बीट आ गई आपकी कुछ, यहां पे ये ले लिया, ये एक एक फ्रेम कर रहा हूं मैं, ये ले लिया, ये और एच प्रेस करते हैं हम और फिर आगे बढ़ जाते हैं। सी प्रेस किया, ये ले लिया, उसके बाद ये यहाँ पे हमारी कुछ बीट्स आ गई हैं। सी प्रेस किया, ये और ये। अब हमें करना क्या है कि जैसे ये आपने लगा दिया है, जहां जहां हमने कट मारे थे, यहां से एक एक फ्रेम को हमने डिलीट कर देना है। ये वाला, ये आ गया, यहाँ पे भी हम एक फ्रेम डिलीट मार देते हैं, यहाँ पे भी मार देते हैं। ये कर दिया हमने, ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ पे डिलीट किया और यहाँ पे डिलीट किया। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में आपके पास में यहाँ पे बीट है, ये देखिए, ये आ गया आपका। उसके बाद में आपने करना है इस पे, यहाँ पे फिर एक फ्रेम लिया, फिर थोड़ा सा आगे रन किया हमने और यहाँ पे आगे कट कर देते हैं। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास में बीट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम हटा देते हैं। ये एक एक फ्रेम आपने बीच से यहाँ से हटा देना है इस टाइप से। अब आपके पास में जो बीट आ गई है वो बड़े लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा आ गई यहाँ से, तो यहाँ से हम एक थोड़ा सा यहाँ से इसको पूरा कट कर लेंगे, ये फ्रेम बाय फ्रेम, ये और ये इस टाइप से। अब ये पूरी वीडियो को हम इतना चलने देंगे। ठीक है, अब ये आपके पास में यहाँ 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 ये आपके पास में बीट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सी प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट मारा। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, पोजीशन दे देते हैं। ये मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ लेकिन कुछ अलग बता रहा हूँ इस बार। ये देखिए, मतलब आपने वीडियो यहाँ है, यहाँ पोजीशन आपने दे देनी है इस टाइप से, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा हमने स्केल कर देते हैं, ये आ गया। और यहाँ पे आपका सी प्रेस करके कट करेंगे यहाँ पे, और फिर हम इसको स्केल दे देंगे। यहाँ से आपने गया मोशन पे, और ये उसके बाद में आपने क्या करना है, ये आपने ले लिया, ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ, ये बीट है। यहाँ लिया आपने, यहाँ लिया, यहाँ लिया और यहाँ लिया, आगे कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ यहाँ हमारे पास में बीट है, जैसे यहाँ पे कर्सर के पॉइंट से चलेंगे, ये करेंगे, फिर यहाँ पे हम ये लेंगे, फिर यहाँ पे वन फ्रेम बाय फ्रेम, यानी कि फ्रेम बाय फ्रेम ही आपने आगे जाना है, एक एक पॉइंट। ये देखिए, यहाँ से डिलीट कर दिया, ये डिलीट किया आपने, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये किया, ये किया, ये किया और ये किया, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं फिर दोबारा वो स्केलिंग, पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, खींच लीजिए, मोशन पे क्लिक कीजिए और ये इसके हैंड दे दीजिए। यहां से ये ले लीजिए, और यहां पे जाके आपके फिर फ्रेम बाय फ्रेम आप यहां पे दे सकते हैं। मैं जूम कर लेता हूं, माइनस प्लस के द्वारा आप जूम कर सकते हैं इसमें दोस्तों, इस टाइप से। ये बीट के ऊपर जो साइन होता है इस पे आप क्लिक करना है आपने,
इस टाइप से। अभी आपका थोड़ा कंप्लीट हो गया है, अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप बीट इफेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कलर करेक्शन के बारे में कि कैसे कलर करेक्शन का यूज होता है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों इसकी डीवीडी भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो डीवीडी भी परचेज कर सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।